इंग्लैंड वर्सेस इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए, ऑब्वियसली इंग्लैंड के लिए ज्यादा, क्योंकि अगर ये मैच वो हार जाते हैं तो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। ये वर्ल्ड कप से पहले अगर किसी ने कहा होता ना तो हम सब हंसते हैं। सबने इंग्लैंड को अपना 4 सेमीफाइनलिस्ट में एक इंक्लूड किया है, मैंने भी किया था। अगर कोई नहीं किया है तो उनको जीनियस है, उसको सब पता है, मुझे तो नहीं था। और एवरीबडी हैज़ बीन सरप्राइज्ड इन द वे इंग्लैंड हैज़ अनरेवल्ड। क्यों अनरेवल किया? शायद प्रेशर नहीं ले पाए, शायद द होम कंडीशंस, होम फैंस, होम एवरीथिंग, दैट प्रेशर गॉट टू देम। बट इंग्लैंड में वो दम है, वो टीम है कि वापस आएंगे और ये वर्ल्ड कप अभी भी सुधार सकते हैं। जेसन रॉय वापस आएंगे, खेलेंगे। जेसन रॉय रैन इन द नेट्स 2 डेज बैक, मैंने देखा। जेसन रॉय आज रिस्क लेके खेलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। जॉनी बेस्टाओ को थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है और जॉनी बेस्टा वो स्पेस पसंद करते हैं। नंबर 3-4 रूट एंड मॉर्गन वेरी इंपॉर्टेंट, देन स्टोक्स। पेपर में देखेंगे तो वोक्स, अली एंड देन आर्चर, शायद आर्चर आज नहीं खेलेंगे। ये बहुत ही चैंपियन बैटिंग लाइनअप है उनके पास, अगर टॉस जीत जाते हैं तो 300-350 बना सकते हैं। एजबेस्टन में वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट इट विल बी ऑन अ फ्रेश पिच। बाकी जो पिच हमने देखा है 4 डिग्रीज टर्न एक्सेट्रा, वो ये पिच में नहीं होगा। इट्स बेकिंग सन, 30 डिग्रीज था कल। सो अगर ये वेदर में ना विकेट ड्राई भी हो जाएगा और इट विल बी गुड फॉर बैटिंग इफ इट्स अ फ्रेश विकेट। सो ऑल सेट एंड डन इट शुड बी अ गुड बैटिंग डे। ऑन द अदर हैंड इंडिया लुक्स सॉलिड एंड स्टेडी, ऑल्सो इंडिया लुक्स सेटल्ड। विराट कोहली का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग सब ने देखे। विराट कोहली बॉडी लैंग्वेज वॉज कॉन्फिडेंट, कम्फर्टेबल, कूल, and he kept saying that we are only concerned about ourselves. उन्होंने almost कह दिया है कि विजय शंकर खेलेंगे, उनको एक और एक मौका दिया जाएगा, and maybe the correct call. He is giving Vijay every chance to shine. That is the trademark of this new Indian team. Give people more and more opportunity. और अगर विजय खेल गए तो उनका पंत काम आ जाएगा। सब मिला के cracker of a game होने वाला है। ये आज बोलना बहुत डिफिकल्ट है कोई कौन फेवरेट्स है। फेवरेट्स कोई भी नहीं है, टॉस पे डिपेंड करेगा। अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया फेवरेट्स, अगर इंग्लैंड जीतता है तो इंग्लैंड फेवरेट्स।